गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि उसके पास बहुत से मास्टर से और उसने अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखा, जैसे उनकी स्किल्स और उनकी टेक्निक्स। और अपने दोस्तों से भी टेक्निक सीखता रहता है, और जब भी उसको मौका मिलता है वो एक नई टेक्निक सीखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वेजिटा उसके जैसा नहीं है, बल्कि वेजिटा के पास कभी भी कोई मास्टर था ही नहीं। 20 से पहले वेजिटा अकेला ही इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटा के पास कोई टेक्निक्स ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मास्टर तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी टेक्निक्स खुद ही डेवलप कर ली। और उसके पास अब ऐसी टेक्निक्स हैं जो उसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करता, और शायद तुम्हें इनका नाम भी ना पता हो। इसलिए आज मैं तुम्हें वेजिटा की सारी टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा सेकंड चैनल जरूर विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर वन, की पृथ्वी पर भारी पड़ेगी, मैं इसे चूर चूर कर दूंगा और तुम कुछ भी करके मुझे नहीं रोक पाओगे। गैलिक गन, ये टेक्निक वेजिटा की है और वो इसको पहली बार सैयन सागा में इस्तेमाल करता है। जब वेजिटा और गोकू पहली बार फाइट करते हैं तो जब वेजिटा नोटिस करता है कि गोकू उससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर जाकर पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। और वो ये करने की कोशिश करता है एक गैलिक गन की मदद से, लेकिन गोकू अपनी कामयाबी की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है। और हम लोग सीरीज के अंदर सबसे पहला भीम क्लैश देखते हैं, और क्योंकि गोकू के पास काओकेन था वो उसको ओवरपावर कर लेता है, और वेजिटा की गैलिक गन काम नहीं करती। अगर वो अर्थ को हिट करती तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। बाद में जाकर वेजिटा इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और आगे जाकर ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो काबा को ये सिखाता भी है। जब काबा उसको देखकर उसको कॉपी करने लग जाता है। ये वेजिटा की सबसे आइकॉनिक टेक्निक में से एक है, और वेजिटा की सबसे बेस्ट टेक्निक्स में से एक है। उसने यह टेक्निक खुद ही बनाई थी और उसने ये कहीं से नहीं सीखी, और ये वेजिटा की ओरिजिनल टेक्निक है, और ये सबसे एपिक भी है, क्योंकि अगर ये ना होती तो हमें कामयाबी आवाज से गैलिक गन कभी नहीं देखने को मिलता, और इसलिए ये वेजिटा की सबसे बेस्ट टेक्निक्स में से एक है। नंबर टू, फाइनल फ्लैश। फाइनल फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जो वेजिटा पहली बार सेल सागा में इस्तेमाल करता है। जब वेजिटा देखता है कि परफेक्ट सेल उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये टेक्निक इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब ये अटैक करती है तो ये यूज़र से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और वेजिटा इस टेक्निक की मदद से सेल की आधी बॉडी को उड़ा देता है, लेकिन क्योंकि सेल के पास पेकोलो का डीएनए होता है इसलिए वो रीजनरेट कर लेता है, वरना सेल उससे बच नहीं पाता। बाद में जगह ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो जीरन से लड़ते हुए भी इसको इस्तेमाल करता है, और ये टेक्निक देखकर गॉड्स भी डर गए थे, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी एनर्जी कहाँ से आ गई। लेकिन ये भी जीरन पे काम नहीं करता, क्योंकि जीरन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था। अगर जीरन के अलावा कोई और होता तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता, और ये वेजिटा की सबसे आइकॉनिक टेक्निक से एक है। इस टेक्निक का एक फ्लॉ है कि इसको चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसका अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नंबर थ्री, फाइनल इम्पैक्ट। ये टेक्निक वेजिटा बू सागा में इस्तेमाल करता है, जब वो माजिन वेजिटा बन जाता है और बू से लड़ रहा होता है, और ये टेक्निक वो बू पर इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो फायर करता है तो बू के बीच में से एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, और बू भी इससे डर जाता है। उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है वेजिटा के अटैक की वजह से, लेकिन क्योंकि बू रिजनरेट कर सकता था वो इससे बच जाता है। अगर बू के अलावा कोई और होता तो वो मार जाता, लेकिन बाद में वेजिटा इसको इस्तेमाल नहीं करता है, वो सिर्फ इसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करता है, और वो होता है बू सागा के अंदर जब वो माजिन बू से लड़ रहा था। ये टेक्निक बहुत काम की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और अगर वेजिटा इसको और इस्तेमाल करे तो ये इसके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इससे बू की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। और हमें पता है कि बू कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, वो सुपर सैयन 3 गोकू से लड़ पा रहा था, और वेजिटा ने उसको इस अटैक से मार दिया। लेकिन ये वेजिटा की सबसे कूलेस्ट टेक्निक में से एक है। नंबर फोर, तुम्हें हराने का तरीका ये है कि तुम्हारी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी जाए, ताकि तुम दोबारा कभी रीजनरेट ना हो पाओ। फाइनल एक्सप्लोजन। ये टेक्निक वो बू से लड़ते हुए इस्तेमाल करता है। जब वो समझ जाता है कि बू को मारना नामुमकिन है, तो वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। इस अटैक की वजह से बू की बॉडी का हर एक पार्ट एटम में बदल जाता है, और ये अटैक बहुत ही डेंजरस होता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा की बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाती, और वो उसी वक्त मारा जाता है। उसकी बॉडी पत्थर में बदल जाती है, और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, और ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो बू को ख़त्म कर देता बिल्कुल। लेकिन क्योंकि बू के पास रीजनरेशन है तो वो वापस आ जाता है। अगर बू के अलावा और कोई होता तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता। ये बहुत ही डेंजरस मूव है, क्योंकि वेजिटा इसको इस्तेमाल करने के बाद मार जाएगा, लेकिन बाद में ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर टोर्नेडो ऑफ पावर के अंदर वो इसको वापस इस्तेमाल करता है, जब वो टॉप पर से लड़ रहा था।
जब वो समझ जाता है कि टॉपो की हकाई बहुत ही खतरनाक है तो वो अपने आप को सैक्रीफाइस करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सके और अपने आप को वापस सैक्रीफाइस कर देता है और इसकी मदद से वो टॉपो को एलिमिनेट भी कर देता है। लेकिन इस बार क्योंकि उसके पास सुपर सेल ब्लू था वो बच जाता है और उसकी बॉडी खत्म नहीं होती बल्कि वो सर्वाइव कर लेता है लेकिन उसकी सारी एनर्जी जा चुकी होती है। तो ये मूव बहुत ही रिस्की है और इसको इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन ये वेजिटा की सबसे ऑसम और सबसे खतरनाक टेक्निक में से एक है। नंबर 5 हकाई। जब वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखता है तो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ जाता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसका स्टाइल नहीं है और उसके बाद बीरस को बताता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही नहीं है जो कि गॉड्स की टेक्निक है बल्कि एक और टेक्निक है जो कि डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करते हैं और वो है हकाई। और बीरस वेजिटा को हकाई के लिए ट्रेन करता है। वो एक छोटे से पत्थर को हकाई करता है और बाद में वो बड़े बड़े पत्थरों को हकाई कर रहा होता है और आगे जाकर हमें उसकी अल्ट्रा ईगो फॉर्म देखने को मिलती है जो कि पूरी हकाई से बनी होती है। इसमें वो जितना डैमेज लेगा वो उतना स्ट्रांग बनता जाएगा बिल्कुल जेंकाई बूस्ट की तरह। और हकाई वेजिटा को बहुत सूट भी करती है क्योंकि वेजिटा को बस डिस्ट्रक्शन ही पसंद है। लेकिन अब तक उसने ये टेक्निक मास्टर नहीं की है और आगे जाकर वो जरूर इसको मास्टर करेगा और ये टेक्निक बहुत ओवर पावर है तो जब वो इसको मास्टर कर लेगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। नंबर 6 थैंक यू बॉस मेंशन नॉट गैलेक्सी ब्रेकर। ये टेक्निक वेजिटा सेंस सागा में इस्तेमाल करता है और वो इस्तेमाल करता है नापा पर। जब नापा गो के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है तो नापा वेजिटा से मदद मांगता है। टिंग वेजिटा उसका हाथ पकड़ता है और उसको हवा में उछालकर उसको ख़त्म कर देता है अपने गैलेक्सी ब्रेकर से कि वेजिटा नापा के साथ ऐसा कुछ करेगा क्योंकि वो दोनों टीममेट्स थे और ऐसा लग रहा था कि वेजिटा उसकी मदद करने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि वेजिटा ने उसको ही मार दिया क्योंकि नापा उसके किसी काम का नहीं था और वो नापा को ख़त्म करने के लिए गैलेक्सी ब्रेकर का इस्तेमाल करता है और इस अटैक की वजह से नापा बुरी तरह मारा जाता है। लेकिन आगे जाकर हमें ये अटैक फिर से नहीं देखने को मिलता। नंबर 7 तो क्या कहते हो कोशिश करें। हाँ हाँ क्यों नहीं। स्पिरिट फिजन। ये टेक्निक वेजिटा प्लैनेट यार्डर पर सीखता है। जब वो मोरो से लड़ता है तो वो समझ जाता है कि मोरो को हराने के लिए एक खतरनाक एबिलिटी की जरूरत होगी इसलिए वो जाता है प्लैनेट यार्डर पर और वहां पर वो सीखने जाता है स्पिरिट फिजन जिसकी मदद से वो किसी भी एनर्जी को निकाल सकता है और वो फ्यूजन और एब्जॉर्प्शन को भी अलग कर सकता है। मतलब वेजिटा के सामने कोई फ्यूजन भी काम नहीं करने वाला। ये टेक्निक बहुत काम की है और वो बताता भी है किसकी मदद से वो पिकोलो और कामी को अलग कर सकता है। इस टेक्निक की मदद से वो किसी भी फ्यूजन को अलग कर सकता है और इसी टेक्निक की मदद से वो किसी भी एब्जॉर्प्शन को अलग कर सकता है। तो ये टेक्निक बहुत काम की है और वेजिटा इसको पहली बार मोरो से लड़ते हुए इस्तेमाल करता है जब वो उसकी सारी एनर्जी बाहर निकाल देता है। इसकी मदद से मोरो भी बूढ़ा होने लग जाता है और वो भी 7th को एब्जॉर्ब करने पे मजबूर हो जाता है। आगे जाकर ये टेक्निक हमें जरूर देखने को मिलेगी लेकिन हमने ये टेक्निक ज्यादा नहीं देखी है तो आगे जाकर हमें जरूर पता चलेगा कि ये और क्या क्या कर सकती है। नंबर 8 बिग बैंग अटैक। ये अटैक सबसे पहले वेजिटा एंड्रॉइड सक में इस्तेमाल करता है जब वो एंड्रॉइड 90 से लड़ने आता है और तभी वो अपनी सुपर सेन फॉर्म दिखाता है और अपना ये नया अटैक दिखाता है और ये होता है बिग बैंग अटैक। इसमें वेजिटा अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल फोकस करता है और वो अपने एनिमीज पर ये मार देता है जिससे एनिमीज की हालत बहुत खराब हो जाती है। इस अटैक की मदद से एंड्रॉइड 19 पूरी तरह मारा गया था और वो भी इस अटैक के सामने टिक नहीं पाया। वेजिटा आगे जाकर इसको बहुत इस्तेमाल करता है जैसे एंड्रॉइड 18 से लड़ते हुए और किड बू से लड़ते हुए लेकिन ये दोनों पर काम नहीं करता क्योंकि इस अटैक को डॉच करना काफी आसान है। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर भी वो इसको इस्तेमाल करता है जब वो टर्न ऑफ पावर में लड़ रहे थे तो वो इसको मगेटा पर इस्तेमाल करता है और वो बड़े बड़े मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करता है जो कि एक बहुत बड़ा फ्यूजन था। लेकिन ये अटैक उस पर भी काम नहीं करता है क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये वेजिटा की सबसे कूलेस्ट टेक्निक्स में से एक है और हम सबकी फेवरेट टेक्निक्स में से एक है। नंबर 9 डर्टी फायरवर्क्स। ये अटैक वेजिटा नेमिक सागा में इस्तेमाल करता है। जब वो प्लैनेट नेमिक पर आ जाता है तो वो कुई से मिलता है और जब कुई वेजिटा से लड़ने की कोशिश करता है तो वेजिटा उसको पेट पर एक खतरनाक सा पंच मारता है और उसको हवा में उछाल देता है और हवा में उछालने के बाद उसके अंदर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे कुई की बॉडी खत्म हो जाती है बिल्कुल। ये टेक्निक वेजिटा की सबसे खतरनाक टेक्निक में से एक है और इसी की वजह से कुई मारा जाता है और कुई को समझ भी नहीं आता कि वेजिटा ने उसके साथ क्या किया। ये टेक्निक तो मैं गेम्स में भी देखी होगी और ये वेजिटा की सबसे आइकॉनिक टेक्निक से एक है और इसकी मदद से वो कुई को बुरी तरह मार देता है और इसलिए इसका नाम है डर्टी फायरवर्क्स। नंबर 10
ग्रेट एप सुपर गैलिक ब्लास्टर। ये अटैक वेजिटा सेंसा का इस्तेमाल करता है और वो पूरी सीरीज में इसको एक ही दफा इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस अटैक को इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी ग्रेट एप फॉर्म में होने की जरूरत होती है। और इस अटैक के अंदर वो अपने मुंह से एक गैलिक गन को फायर करता है और ये अटैक बहुत खतरनाक होता है। लेकिन वेजिटा इसको बस एक ही दफा इस्तेमाल करता है क्योंकि याजरोबी ने उसकी टेल काट दी थी और अब वो ग्रेट एप में बदल नहीं सकता, और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए ग्रेट एप की जरूरत होती है। इसलिए यह टेक्निक हमें पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही दफा देखने को मिली और वो होती है गोकू और वेजिटा की बैटल के अंदर। काश हमें ये टेक्निक और भी देखने को मिलती। नंबर 11, क्या कमाल का लड़ता है, फ्यूजन डांस। फ्यूजन डांस भी एक टेक्निक है जो कि गोकू ने मेटामोरियन से सीखी, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वेजिटा भी इसको सीख लेता है। पहले तो वो शर्मा रहा था कि वो ऐसा डांस नहीं करना चाहता, लेकिन जब गोकू बताता है कि ब्रॉली पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो मान जाता है। वो पहली बार ट्राई करते हैं लेकिन ये काम नहीं करता, बल्कि वो मोटे गोजिटा बन जाते हैं। वो दूसरी बार कोशिश करते हैं और इस बार ही होता है स्किनी गोजिटा, लेकिन जब वो तीसरी बार ट्राई करते हैं तो वो बन जाते हैं गोजिटा में, जो ये बहुत स्ट्रांग होता है। गोजिटा ब्रॉली को आसानी से हरा लेता है और उसको बुरी तरह मारता है। इससे पहले वेजिटा को फ्यूजन डांस करना नहीं आता था, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के अंदर उसने ये टेक्निक सीख ली है और अब वो भी फ्यूजन कर सकता है। शायद आगे जाकर हमें ये टेक्निक देखने को भी मिले। नंबर 12, इंस्टेंट ट्रांसमिशन। इंस्टेंट ट्रांसमिशन गो की टेक्निक है, लेकिन गोजिटा भी इसको इस्तेमाल करता है। वो पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही दफा इसको इस्तेमाल करता है। जब गोकू और मोरो फाइट कर रहे होते हैं तब वेजिटा को जल्दी से जल्दी अर्थ पर पहुंचना होता है, लेकिन क्योंकि एड्रियाटियंस प्लैनेट यार्डार्ड से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वेजिटा खुद ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख जाता है। वो पहली बार ट्राई करता है तो एक कचरे के डब्बे में चला जाता है, लेकिन फिर से कोशिश करने के बाद वो अर्थ पर पहुंच जाता है। ये टेक्निक वो बाद में इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि ये गो की टेक्निक है, लेकिन आगे जाकर शायद वेजिटा इसको फिर से इस्तेमाल करे क्योंकि इसने सीख ली है। नंबर 13, मुझे नहीं हरा सकते वेजिटा, ऐसा सोचना तुम्हारी बेवकूफी होगी। फाइनल क्रैश। ये भी वेजिटा की एक टेक्निक है जो कि उसने नामिक सागा में इस्तेमाल करी थी, और वो इस्तेमाल करता है रकूम पर। वो अपनी पावर को चार्ज करता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पावर अप करने के बाद वो रकूम पर चार्ज कर देता है और उसको धोने लग जाता है। उसको मुक्के मारता है और लाते मारता है, उसको उछालने लग जाता है और उसको बुरी तरह मार रहा होता है, और आखिर में बिल्कुल फाइनल फ्लैश की तरह वो अपने अटैक्स को चार्ज करता है और वो रकूम पर उसको मार देता है। लेकिन ये फाइनल फ्लैश नहीं था, ये बिल्कुल उसके जैसा ही था, लेकिन क्योंकि रकूम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता है, बल्कि वो सर्वाइव कर लेता है। ये अटैक हमें बाद में जगह देखने को नहीं मिलता और वेजिटा इसको बस नामिक पर इस्तेमाल करता है, मगर काश हमें ये टेक्निक और देखने को मिल जाती। नंबर 14, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है। स्पिरिट स्वॉर्ड। ये वही शॉट है जो वेजिटा इस्तेमाल करता है। तुम लोगों में से बहुत ने सोचा होगा कि वेजिटा के पास ये टेक्निक कहाँ से आ गई, और अब तुम्हें पता चल चुका है कि वो वेजिटा से थी। वेजिटा इस्तेमाल करता है स्पिरिट स्वॉर्ड, और ये हम लोग ड्रैगन बॉल सुपर की मांगों में देखते भी हैं। बिल्कुल वेजिटा की तरह वो अपनी स्वॉर्ड बनाता है और ये स्वॉर्ड बिल्कुल वेजिटा की तरह होती है। वेजिटा भाग गिरने वाला था लेकिन इसकी मदद से वो बच जाता है, और ये वो सिर्फ मांगा में इस्तेमाल करता है। तो अब तुम्हें पता चल चुका है कि वेजिटा के पास स्पिरिट स्वॉर्ड कहाँ से आई, वो थी वेजिटा से, क्योंकि वेजिटा भी स्पिरिट स्वॉर्ड इस्तेमाल कर सकता है। वो इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन ये उसके बहुत काम आ सकती है। नंबर 15, गॉड हीट फ्लैश। ये टेक्निक वो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में इस्तेमाल करता है जब वेजिटा सुपर सैन गॉड फॉर्म के अंदर ब्रॉली से लड़ रहा होता है। जब ब्रॉली की हालत बहुत खराब हो जाती है तो वेजिटा अपना ये अटैक इस्तेमाल करता है। वो अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म के अंदर एक अटैक चार्ज करता है जो कि बिल्कुल सूरज जैसा होता है, और ये गॉड हीट फ्लैश अटैक वेजिटा सिर्फ सुपर सैन गॉड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता है। ये बिल्कुल बिग बैंग अटैक जैसा है, लेकिन सुपर सैन गॉड की पावर की वजह से ये बदल जाता है, और इसकी मदद से वेजिटा ब्रॉली को आसानी से खत्म करने वाला होता है। शायद हमें ये आगे जाकर जरूर देखने को मिले। नंबर 16, गामा बर्स्ट फ्लैश।
ये टेक्निक है वेजिटा की, जो कि वो सिर्फ मांगा में इस्तेमाल करता है, वो भी ड्रैगन वॉल सुपर की मांगा के अंदर। ये एनिमे के अंदर हमें कभी भी देखने को नहीं मिला, और वो इसको गोकू ब्लैक आर्क में इस्तेमाल करता है। जब जामासु के बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं तो वेजिटा अपना गामा बर्स्ट फ्लैश तैयार करता है और जामासु को पूरी तरह रेज कर देता है, लेकिन क्योंकि जामासु इमॉर्टल था वो उससे बच जाता है। और ड्रैगन वॉल सुपर की मांगा के अंदर वो इसको फिर से इस्तेमाल करता है, वो भी टोनर ऑफ पावर के अंदर। जब गोकू और वेजिटा साथ में अटैक कर रहे होते हैं तो गोकू अपना कामयाबी करता है और वेजिटा अपना गामा बर्स्ट फ्लैश, और ये अटैक बहुत पावरफुल होता है। पता नहीं वेजिटा ने इसको एनिमे के अंदर इस्तेमाल क्यों नहीं करा, लेकिन मांगा के अंदर वो इसको इस्तेमाल करता रहता है, और हमें आगे चलकर मांगा के अंदर शायद ये जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 17, फाइनल शाइन। ये अटैक वेजिटा ड्रैगन बॉल जीटी में इस्तेमाल करता है, और वो भी सुपर 17 सागा के अंदर, जब वो सुपर 17 से लड़ रहा होता है वो भी अपनी सुपर सेन फॉर्म के अंदर, और वेजिटा इसको बस अपने एक हाथ से ही करता है। वो ये अटैक सुपर 17 में इस्तेमाल करता है, लेकिन सुपर 17 पर ये कुछ भी डैमेज नहीं करता, बल्कि सुपर 17 इसको एब्जॉर्ब ही कर लेता है। और ये अटैक वो ड्रैगन बॉल जीटी में इस्तेमाल करता है तो ये नॉन कैनन भी है। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है, और अगर सुपर 17 के अलावा और कोई होता तो मार जाता, लेकिन वेजिटा इसको बाद में कभी इस्तेमाल नहीं करता है, तो हमें शायद आगे जाकर ये कभी ना देखने को मिले। नंबर 18, जाओ जब मेरी पावर बॉल इस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी तो क्या होगा? आर्टिफिशियल मून। ये टेक्निक है वेजिटा की, जो कि वो सेंस का इस्तेमाल करता है, और इस टेक्निक की मदद से वो एक आर्टिफिशियल मून बनाता है, जिसकी मदद से वो अपनी ग्रेटिव ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। जब वेजिटा नोटिस करता है कि अर्थ के पास कोई मून नहीं है तो वो समझ जाता है और अपना ही मून बना लेता है। ये अटैक वो हवा में छोड़ता है और उसको देखने के बाद वो बन जाता है एक ग्रेट एप। ये अटैक बहुत काम का था, लेकिन क्योंकि वेजिटा के पास कोई टेल नहीं है तो इसको इस्तेमाल नहीं करता है, और इस अटैक को भी वो पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ एक दफा इस्तेमाल करता है। शायद आगे जाकर उसको अपनी टेल वापस मिल जाए और वो ये अटैक वापस करे। नंबर 19, फाइनल गैलिक कैनन। ये अटैक वो फ्रीजर सागा में इस्तेमाल करता है, जब वो जारबोन से लड़ रहा था। जब वेजिटा को उसके जेंकाई बूस्ट मिल जाते हैं तो वो जारबोन से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, और जब वो जारबोन से लड़ रहा था तो वो उसके अंदर पंच मारता है और उसके बीच में से एक गैलिक गन मार देता है, और इसी अटैक का नाम है फाइनल गैलिक कैनन। और ये अटैक बहुत ही खतरनाक है, इससे जारबोन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो मर जाता है इस अटैक की वजह से। मगर ये बहुत ही खतरनाक अटैक था और इससे जारबोन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, और ये वेजिटा के सबसे कूलेस्ट मूवमेंट्स में से एक है। नंबर 20, गॉड ब्लू टेक्निक। ये टेक्निक वो गोकू ब्लैक सागा में इस्तेमाल करता है, वो ही मांगा के अंदर, और वही टेक्निक सीखता है गोकू से, जिसने ये टेक्निक इस्तेमाल करी थी हिट से लड़ते हुए, और बिल्कुल सेम ही गोकू टोनर ऑफ पावर के अंदर इस्तेमाल करता है एनिमी के अंदर भी। वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करता है गोकू ब्लैक सागा के अंदर, जब वो गोकू ब्लैक से लड़ रहा था। इसकी मदद से वो अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म में फाइट करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है वो अपनी सुपर सैन ब्लू फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही सेकंड के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसी से अटैक करता है और वापस अपनी सुपर सैन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसकी मदद से वेजिटा का स्टैमिना खत्म नहीं होता और सुपर सैन गॉड सुपर सैन ब्लू से स्पीड में ज़्यादा है, तो ये वेजिटा की एक जीनियस टेक्निक है, और वो ये टेक्निक सिर्फ मांगा में इस्तेमाल करता है और एनिमी के अंदर वैसा कुछ नहीं करता। काश एनिमी के अंदर भी हमें ये टेक्निक देखने को मिलती, लेकिन ये तब भी वेजिटा की सबसे बेस्ट टेक्निक्स में से एक है। तो गाइस यही हैं वेजिटा की सारी टेक्निक्स। तुम्हारी फेवरेट टेक्निक कौन सी है? मेरी तो है फाइनल फ्लैश। तुम्हारी फेवरेट टेक्निक नीचे कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो तुम नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।